और अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सितेल में शिक्षकों की कमी की मांग को लेकर अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। बता दें कि इंटर कॉलेज सितेल में 4 अध्यापकों का स्थानांतरण हो गया है, लेकिन उनके बदले शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है, जिसको लेकर अभिभावकों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। बता दें कि वर्तमान समय में लगभग 10 से अधिक गांव के 300 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहां पर अध्ययनरत है। शिक्षकों के ट्रांसफर हो जाने के चलते शिक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। एक सप्ताह पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक भेजने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर जल्द ही शिक्षक भेजने की मांग की। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि जल्द ही टीचर नहीं भेजे जाते हैं तो उन्हें मजबूरन मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो अभी हमारी मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से बात हुई और वो बात को बहुत गंभीरता से भी उन्होंने सुना नहीं और न उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब दिया गया, और बहुत सरलता से उन्होंने ये कह दिया कि मेरे पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे द्वारा थोड़ा आक्रोश भी जताया गया कि भाई शिक्षा अधिकारी के द्वारा हमें 7 दिन का टाइम दिया गया था कि 2 अध्यापक मैं आपके विद्यालय में भेजूंगा, पर आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अध्यापक नहीं मिला, जो कि प्रधान सहायक भी उस विद्यालय में नहीं है जो कि यहीं अटैच शिक्षा अधिकारी महोदय ने क्या एक इस प्रकार का हमें हमारे बच्चों का 1 साल भरवा कुछ होने वाला है और 1 साल पूरा होने के बाद हमारे को क्या चीज़, हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं फिर भी हमारे को